24 अगस्त 2016, वो दिन जब साइंटिस्टों ने ढूंढ निकाला अर्थ से एकदम बेहद 4.24 लाइट ईयर की दूरी पे एक ऐसा प्लेनेट जो कि अर्थ जैसा था। इस प्लेनेट का नाम था प्रोक्सिमा बी और इस प्लेनेट को अपने स्टार का एक चक्कर पूरा करने में सिर्फ 11 दिन लगते हैं। इसका मतलब बहुत सारी बर्थडे पार्टीज। साइंटिस्टों ने ये भी रिसर्च करके बताया कि इस प्लेनेट पे जो है अपनी सरफेस पर वाटर बॉडीज भी एग्जिस्ट करती होंगी। अगर माने वर हम लोग अभी प्रेजेंट की टेक्नोलॉजी से इस प्लेनेट पे जाने की कोशिश करें तो भूल ही जाइए, क्योंकि 19,000 से 76,000 साल लग जाएंगे इस प्लेनेट पर जाने पे, जो कि हमारे लिए इस टाइम पे इम्पॉसिबल है। ऐसा का मानना है कि इस प्लेनेट पे हम लोग शायद ही रह सकेंगे। अगर पानी है तो सब कुछ है। अगर बात आती है इस प्लेनेट का इतना मोटा एटमॉस्फेयर के पीछे का कारण क्या है, तो वो कारण ये हो सकता है कि प्लेनेट का एटमॉस्फेयर जो है वो शायद से ऑक्सीजन का बना होगा या फिर मे बी कार्बन मोनोऑक्साइड का बना होगा। प्रेजेंट में देखा जाए तो हमारे लिए अभी सबसे पास में अगर कोई हैबिटेबल प्लेनेट है तो वो तो प्रोक्सिमा बी ही है। सो वेल, अगर हम प्रोक्सिमा बी तक पहुंच भी गए तो ये प्लेनेट असल में टाइडली लॉक्ड है। लोग ये पूछोगे कि टाइडली लॉक्ड क्या होता है, असल में टाइडली लॉक का मतलब ये होता है कि कोई एक ऐसा प्लेनेट जो कि हमेशा अपने एक ही साइड से रोटेट करता है अपने एक स्टार को, लाइक इन सिंपल वे कि वो प्लेनेट जो कि एक साइड हमेशा अपनी सन के टूवर्ड्स फेस करता है और जो दूसरा साइड है वो असल में डार्क साइड पे ही हमेशा एकदम रह जाता है। तो इसका मतलब साफ साफ है कि प्रोक्सिमा बी जो है ये प्लेनेट सिर्फ एक ही साइड से ऑर्बिट करता है अपने स्टार को। पूछी जाए इस प्लेनेट की सबसे यूनिक बात क्या है, तो इस प्लेनेट की यूनिक बात ये है कि ये प्लेनेट अपने स्टार को सिर्फ 11.2 डेज के अंदर ऑर्बिट कर देता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोक्सिमा बी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना और कॉमेंट बॉक्स में बताना कि वीडियो कैसी है।